यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन के बाद प्रॉपर फेस टू फेस आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं है, ये मैं आज सोची, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरी हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है बिहार गवर्नमेंट का। तो उसके प्रिपरेशन में मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो भी बना पाऊँ। तो अल्टर्न वन वीक में या फिर 10 डेज़ पे ही शायद मैं बना पाऊँगी। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं अपना किचन टूर करवाऊँ आप लोग से। हालांकि ये किचन बहुत अभी मतलब मॉड्यूलर नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। मैं बोल सकती हूँ सिंपल, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, तो मुझे बहुत पसंद है। और कलर मैं ही चॉइस की हूँ इसका किचन का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये किचन तो नहीं है बट ये डाइनिंग स्पेस है, तो ये भी एक किचन का ही पार्ट हुआ। तो बस थोड़ी देर में आप लोग वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, अब थोड़ी देर में वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं सोची उससे पहले मैं किचन, क्योंकि नीट एंड क्लीन नाश्ते के बाद फिर मैं सफाई की थी, तो मैं सोची चलो अब अच्छा मौका है तो इस टाइम अभी मैं शूट कर लेती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से किचन टूर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं किचन टूर डाइनिंग स्पेस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरा डाइनिंग स्पेस और यहाँ पे जो कलर आप देख सकते हैं ना, ये सब कलर ये छूट ही नहीं रहा है क्योंकि शफा काजी यहीं पे बैठ के पेंट करती है। और मैं रूम में नहीं करने देती हूँ क्योंकि बेडशीट पे फिर गंदा कर देती है, तो यहीं पे बैठ के करती है। और ये मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश की हूँ बट ये निकल ही नहीं रहा है, तो बाद में बकरीद वगैरह में न्यू ख़रीद लूँगी। और ये मेरा इन्वर्टर यहाँ पर रहता है और वो जो जहाँ पे आशीर्वाद आटा रखा वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था तो मैं वहीं पे रख दी। और वहाँ पे मेरा एप्रॉन का मतलब कलेक्शन है एक दो। और यहाँ पे फ्रिज है और उस कबर्ड में भी किचन का ही सामान रहता है, लाइक बासमती चावल हो गया, बिस्किट के डब्बा, बहुत सारा चीज़ें किचन में, तो बहुत सारा चीज़ें होते हैं वो सब उसमें है। और वो उस कबर्ड में जितना भी क्रॉकरी का आइटम है, डिनर सेट नया वाला जितना भी नया है वो सब उसमें रहता है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा सामान नहीं रखी हूँ, कभी कभी तो ये भर जाता है, जैसे वेजिटेबल लाती हूँ, फ्रूट्स लाती हूँ तो पहले यहीं पे रखती हूँ, उसके बाद फिर जगह पे रखती हूँ। तो और ये ईद से यहीं पर पड़ा हुआ है तो मैं छोड़ दी हूँ कि अब बकरी दाने का वेट करूँ, तब तक ये यहीं पे रहेगा। वैसे भी ये ख़राब होने का चीज़ तो है नहीं, कभी बिरयानी वगैरह खाएँ तो ये माउथ फ्रेशनर है तो ठीक है। यहाँ पे शफ़ा काजिन का ग्लास रहता है और यहाँ पे फ्रिज है। तो ये है मेरा किचन, ये ओपन किचन है तो आप देख सकते हैं। और ये लुक देखिए, तो ये अभी नॉन मॉड्यूलर किचन है और इसमें अभी बहुत काम बाकी है। लाइक आप देख सकते हैं कि इसमें अभी वार्डरोब वगैरह कुछ नहीं लगा है, सिर्फ यहाँ पे एक लगवाई हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही था, तो बस ये चीज़ लगवाई हूँ कवर, और ओपन था ये तो बस यहाँ पे कवर लगवाई हूँ। बाकी मेरा ये जो पहले जहाँ पे मैं रहती थी गया में, वहीं पे लगा हुआ था। और ऊपर में भी सब क्रॉकरी का ही सामान है जो कम यूज़ होता है पार्टी वगैरह में, तो मैं सब ऊपर रख दी हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे स्पून स्टैंड है और वहाँ पे मेरा मसाला का डब्बा है जो मैं अमेज़ॉन ऑनलाइन से ली थी। यहाँ पे ऑयल का है और कप है जो कि थोड़े कप है, बाकी सब कप कबर्ड में है, जितना ज़रूरत है मैं उतना ही निकाली हूँ। पे मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और यहाँ पे मिल्क मैं बॉईल कर दी हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो अभी वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं लंच में लगूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ही बटरफ्लाई का मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। मैं आपको बताई थी मुझे ज़्यादा किचन में बहुत बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि स्मॉल फैमिली है, तो उसके लिए दो बर्नर वाला काफ़ी है। और मेरे पास इंडक्शन भी है जो कि ऊपर में रखा हुआ है, ब्लैक कलर का, देख सकते हैं। अगर कुछ जब पार्टी वार्टी रहना होता तो मैं इंडक्शन का भी यूज़ कर देती हूँ। और यहाँ पे नाइफ़ है, लाइटर है और वुडन स्टिक जो कलछुन वगैरह रहता है लकड़ी वाला, वो सब है। सॉस ये कबर्ड में मेरा अट नहीं रहा था, तो मतलब इसमें जो शेल्फ है उसमें नहीं अट रहा था तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ।
और यहाँ पे एक प्लास्टिक का बकेट है, इसमें मैं छोटा छोटा जो कटोरी होता है वो रखती हूँ, और जैसे लाइक अचार वगैरह निकालने के लिए, चटनी वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना वो गिर जाता था बार बार, तो मैं उसको एक अलग कंटेनर में रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं लगवाई थी ये हैंग करने के लिए, जहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं सीज़र वगैरह सब यहीं पे रख दी हूँ। वैसे ये किचन का सीजर नहीं है, बट यहीं पे मैं रखती हूँ ताकि बच्चे इसको लेके ना जाए। और ये सब किचन का ही सारा सामान है, आप लोग सबको पता है। और यहाँ पे मेरा आरओ है, और ये है बर्तन स्टैंड, जो कि इसमें काफ़ी बर्तन अट जाता है डेली यूज़ का, तो मैं यहीं पे रखती हूँ सब। और यहाँ पे विंडो है, विंडो के बाहर जो मेन एंट्रेंस है वो है, जो कर्टन मंगवाई थी मैं अमेज़ोन से, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये 9 फिट का है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा नल दिया हुआ है, और वहाँ पे मैं डस्टबिन रखी हूँ। और यहाँ पे भी एक बर्तन बड़ा स्टैंड है, जो डेली यूज़ का बर्तन यूज़ होता है, तो बर्तन तो खैर बहुत यूज़ होता है। अब आप नीचे देख लीजिए, नीचे ये सब मैं अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मैं मुझे यहाँ शिफ्ट हुए, मैं पटना तो मेरा घर है ही, बट मैं ट्रांसफ़र मैं हस्बैंड के साथ रहती थी, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ वहाँ जाती थी। तो अब फाइनली मैं, अब बच्चे बड़े हो गए तो पढ़ाई का बहुत दिक्कत होता है, कभी स्मॉल टाउन में हो जाता है, कभी अच्छे टाउन बड़े टाउन में हो जाता है, तो उस वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैं फ़ाइनली अपने घर ससुराल में शिफ्ट कर गई हूँ, और ये अभी बना ही है, मैं जनवरी में शिफ्ट की हूँ, तो अभी पूरा अभी अच्छे से नहीं बना है, अभी इसमें सब लकड़ी का काम बाकी है, वुडन वर्क सब बाकी है इसमें। तो ये देख सकते हैं नीचे भी मैं मार्बल का शेल्फ लगवा दी हूँ, और यहाँ पे यही सब है, सब किचन का ही सामान है, कुकर वगैरह है, तेल है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बर्तन हैं वो सब है, बिस्किट है, आलू प्याज का टोकरी है, जो कि प्याज बहुत कम बचा है, अभी मंगवाना है मुझे। अवन के नीचे काफ़ी स्पेस था, तो मैं यहाँ पे आटा और चावल का कंटेनर बड़ा बड़ा 10 केजी वाला यहाँ पे रख दी हूँ। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे पास ये था स्टैंड इस तरह का, तो मैं रख दी हूँ क्योंकि स्पेस मुझे नज़र आया, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, ये सब एडजस्ट हो सकता था कबर्ड में, लेकिन ये जो ट्रे है ना ये यूज़ हो जाता है चाय वगैरह के लिए, नाश्ता वगैरह, तो यहाँ पे इजी रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ। सामने मेरा बेडरूम है, उसके बगल में भी रूम है, और वो एक्स्ट्रा रूम है, अभी फ़िलहाल मैं उसमें भी टेडी बियर, बड़ा बड़ा जो टेडी बियर है वो सब रखती हूँ, चफा काजिन का टेडी बियर। और ये है फाइनल लुक, जो मैं डाइनिंग स्पेस भी इसलिए दिखा ली क्योंकि वो भी एक किचन का ही पार्ट है, तो वो भी मैं दिखा दी हूँ। और ये सब कर्टन जो है वो मैं मंगवाई थी अमेज़ोन से, तो ये इसकी वीडियो मैं बनाने वाली थी, बट आई डोंट नो वो वीडियो कहाँ चला गया, आधा पार्ट मैं दिखाई थी और आधा नहीं दिखाई थी, ये सब मैं ईद में कर्टन मंगवाई थी। तो ये बिहार में ज़्यादातर जो घर होते हैं वो ओपन किचन नहीं होते, जो पहले के घर बने हुए होते हैं, अब तो फ्लैट वगैरह में तो आप खाली रखते हैं सब लोग, किचन डायरेक्ट लगवा देते हैं वो, बट जो पहले के घर होते हैं ना वो सब में डोर लगा रहना मस्ट है, बिहार के जो जितने भी हाउस होते हैं, बट यहाँ पे मैं ओपन करवाई हूँ 8 शेप में, और मुझे पसंद है क्योंकि ताकि किचन में बहुत गर्मी लगता है ना, सफोकेशन वगैरह लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ओपन ही करवा दी हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक किचन का, और ये देखिए, और सामने भी ड्राइंग रूम है, आजीन वहाँ पे हैंड वॉश कर रही है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय नॉन मॉड्यूलर किचन। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी अभी आजीन भी आपसे बात करिए। आप लोगों को कैसा लगा मेरा किचन टूर, अच्छा लगा तो लाइक को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, जितना हो सके आप लोग लाइक करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्यू के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है।